हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए अमृतसरी पनीर भुर्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल या ढाबे वगैरह पे जैसे हम खाते हैं, और बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हम इसे घर पर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया हुआ है। मैंने मार्केट का पनीर लिया है, आप चाहें तो घर पे बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और दो बड़े प्याज लिए हुए हैं मैंने, जिन्हें रफली चॉप किया हुआ है। और दो बड़े टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने बड़े पीसेस में कट कर रखा है इस तरह से। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया लिया है मैंने, और एक हरी मिर्च ली है जिसे बारीक कट कर रखा है। और ये जिंजर और गार्लिक को मैंने क्रश कर रखा है, उसके साथ में ही मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें भी क्रश कर रखी हैं। ये मैंने एक बड़ा चम्मच बेसन लिया है जिसे मैंने भून लिया था, सूखा भून लिया था, कच्चा बेसन नहीं लेना है। अब सबसे पहले हम जो है पनीर को क्रम्बल करके रख लेंगे। ऐसे हाथ से ही क्रम्बल करना है आपको, इसको ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है। ग्रेटर से ग्रेट करने से क्या है, जब हम पनीर को ग्रेवी में डालेंगे तो वो घुल जाता है। तो इस तरह से हाथों से ही क्रम्बल कर लीजिए, और थोड़ा थोड़ा से बीच में मोटे चंक्स भी रहने देने हैं। इससे पनीर भुर्जी खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए सारा पनीर जो है मैंने हाथों से क्रम्बल करके रख दिया है। तो अब हम जो है पनीर भुर्जी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में दो बड़े चम्मच ऑयल डाल रखा है, उसमें आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा इसमें हम जिंजर गार्लिक और साथ में काली मिर्च कुटी हुई मैं डाल दूँगी इसमें। इसको एक दो मिनट के लिए भूनना है हमें, जिससे कि लहसुन का जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए। यहाँ देखिए भुन गया है लहसुन और अदरक अच्छे से। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने रफली चॉप करके रखे हुए थे, और इनको ऐसे रफली ही चॉप करना है, ज़्यादा बारीक प्याज इसमें नहीं डालना है काट के, क्योंकि भुर्जी बना रहे हैं हम तो भुर्जी में थोड़ा सा जो प्याज जो ग्रेवी में आएगा तो वो अच्छा लगता है खाने में, और ना ही हमें इसे ज़्यादा ब्राउन करना है, हमें हल्के गुलाबी ही रखने हैं प्याज को। यहाँ देखिए प्याज गुलाबी हो गए हैं हल्के से। अब यहाँ पर मैं जो है बेसन जो भून के रखा था एक चम्मच, वो इसमें मैं डाल दूँगी, उसे भी प्याज के साथ ही हमें भून लेना है। वैसे तो वो पहले ही हमने भून लिया था, पर तड़के के साथ और अच्छे से भून जाएगा बेसन, तो बहुत अच्छी थिकनेस आ जाती है इससे ग्रेवी में। अब हरी मिर्च और अदरक डाल दिया है मैंने, और भुर्जी की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है बेसन की वजह से। अब सूखे मसाले डालेंगे, नमक डाला है मैंने आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला आधा चम्मच, किचन किंग मसाला आधा चम्मच। सभी मसालों को एक मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से, साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि मसाला जले नहीं और अच्छे से पक जाए मसाले। अभी जो हमने बेसन डाला हुआ था उसकी वजह से मसाला थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब हमें टमाटर डाल देना है इसमें, जो हमने बड़े पीसेस में कट करके रखा हुआ था, और इसे भी अच्छे से पका लेंगे मसाले के साथ में। और अब मसाले को हम 5 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं, जिससे कि सारी जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। यहाँ मैंने ढक्कन लगा दिया है, यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसमें मैं एक चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी डाल दी है हाथ से क्रश करके, ये मैंने भून के ही रखी हुई थी। और एक चम्मच इसमें मैं बटर डाल रही हूँ, बटर आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने एक ही चम्मच यूज़ किया है। मिक्स कर देंगे एक बार अच्छे से इसको, और अब हम इसमें जो पनीर हमने क्रम्बल करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए पनीर को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने मसाले में।
अब इसमें हम धनिया डालेंगे, हरा धनिया। इससे पनीर भुर्जी का टेस्ट और डबल हो जाने वाला है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर भुर्जी में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको पतला रखना चाहते हैं तो पानी डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा। अब मैं ढक दूँगी इसको 5 मिनट के लिए। मेरे को इस तरह से थिक ही पसंद है तो मैं इसी तरह की ग्रेवी रखूँगी इसकी। 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए पनीर भुर्जी तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पनीर भुर्जी की। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैंने पनीर भुर्जी को सर्व कर दिया है एक प्लेट में, ब्रेड के साथ सर्व किया है मैंने इसे। इसे ऐसे ही सर्व किया जाता है ब्रेड के साथ, अगर आप चाहें तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैंने सैलेड भी रखा है साथ में। अब आप भी अपने घर में जल्दी से बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।